फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन 2A प्लस एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी आपके फोन में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले मोबाइल फोन का सिम कार्ड आपको मोबाइल से बाहर निकालना है और सिम कार्ड को सिम ट्रे पर दोबारा से अच्छे से लगाना है और फोन के अंदर डाल देना है। अगला काम ये करना है, आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये नेटवर्क एंड इंटरनेट का ये वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें आपको ये सिम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये 5G ये जो प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप है इसे सेलेक्ट करना है। इसमें आपको 5G का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन के नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च सेटिंग पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। रीसेट आप लिखेंगे तो नीचे आपको ये रीसेट मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको रीसेट मोबाइल नेटवर्क पर आपको दोबारा टैप करना है। यहाँ पर आपको रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे मोबाइल फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको राइट क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज में जो है रीसेट सेटिंग का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को भी एक बार रीसेट कर देना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज़ करना है, इससे आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।